हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर आपके क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 7 का संस्कृत डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका सेट 3 है। इसके पहले भी सेट 1 सेट 2 चैनल पे अपलोड है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर अवश्य देख लें। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, कोई चतुर्थ पार्ट है जिसका नाम है योगो भवति दुखहा, ठीक है, ये एक पार्ट है। आप लोग अपना बुक निकालिए, बुक में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर पढ़कर जाइए, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखते हैं इसमें क्या है। एक पदेन उतरत, यानी कि एक पद में आपको उसका आंसर देना है, केवल और केवल एक पद में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है स्वस्थ मनस कुत्र निवासा भवति, ठीक है, तो स्वस्थ शरीर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वस्थ शरीर है। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, सौ स्वस्थ, इस तरह से लिखिए। उसके बाद इसी में आपको लिखना है शरीरे, स्वस्थ शरीरे, इस तरह से लिखिएगा, स्वस्थ शरीरे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा सवाल है हमारा, आचारहीना कुत्र सम्मानीय न भवंती, तो इसके आंसर में आपको लिखना है समाजे। क्या लिखना है, समाजे, क्या लिखेंगे, समाजे, इसका आंसर में आपको समाजे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, वयम केसु सचेष्टता स्यामा, ठीक है, तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे निज, देखिए इसके आंसर में क्या लिखना है, निज कर्मसु, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा, ये माँ है, निज कर्मसु, ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो रहा तो बोलिए, कलर चेंज कर देते हैं आप लोगों को देखने में अगर दिक्कत होगा तो, ठीक है ना, ये कलर ठीक है। चलिए उसके बाद है हमारा, वयम केन उत्तम स्वास्थ्य प्राणुमा, ठीक है, तो इसके आंसर में लिखेंगे हम लोग क्या देख लीजिए, इसके आंसर में लिखेंगे योगा भयासेन, ठीक है, इसको आंसर में लिखना है योगा, इस तरह से लिखिएगा योगा, इसी में लिखना है भया सेन, ठीक है, योगा भया सेन। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को लिखना है, आम अथवा नाम मध्यन उत्तरत, यानी कि आपको उत्तर देना है, या तो आम लिखना है अगर, ठीक है, हाँ, या ना तो ना लिखना है, ठीक है। चलिए, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन से निवास भवती, तो आम, ठीक है, आम, ठीक है, हो गया। प्रतिदिन मांसाहार युक्त भोजन करने, क्या प्रतिदिन हम लोगों को मांसे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो ना लिखिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा, यावाद भुक्षा अस्थि तथा अधिक खाद्य एवं, ठीक है, तो इसमें भी होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है, अस्माकम आचरण शुद्ध भवेत, ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा आम, क्या हो जाएगा, आमा। प्रातः काले योग करनीय, तो आमा, यानी कि जो करना चाहिए उसमें आपको आमा करना है, जो नहीं करना चाहिए उसमें ना लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है, अधो लिखी तेषु पदेशु का विभक्ति किम वचनम च इति लिखित, यानी कि आपको इसका विभक्ति लिखना है और उसका वचन भी लिखना है, यह कौन सा वचन है, एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इन सवालों को आप, यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जाम्पल में एक बनाकर दिखा दिया गया है कि इसे बालकानम क्या है, षष्ठी विभक्ति में आता है और बहुवचन में आता है, इसको लिख दिया है। उसी तरीका से स्वास्थ्य आपको बताना है कौन सी विभक्ति में होगा और कौन से वचन में होगा, निवासा जो है आपका कौन से विभक्ति होगा, कौन सा वचन होगा, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। सभी को चलिए आंसर देख लेते हैं हम और बता देते हैं ताकि आप लोग इसका अच्छे से प्रिपरेशन भी कर लें। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी का आंसर आपके सामने है, स्वास्थ्य प्रथम विभक्ति में आ जाएगा बहुवचन में, निवासा प्रथमा विभक्ति एक वचन में, क्रमशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, शरीरे सप्तमी एक वचन में, छात्रानम षष्ठी में बहुवचनम, सूर्यदात पंचमी एकवचनम, प्राणा योमेन तृतीय एकवचनम, जीवनस्य षष्ठी एकवचनम, योगा प्रथम एकवचनम और बालकानम
षष्ठी बहुवचनम, ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर जो है आप लोगों को लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप का। साथ ही साथ हमारा एक दूसरा चैनल भी है जैकपुर टिप्स एंड ट्रिक, तो उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।